नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना ऐप पर। और हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम में हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। कमेंट ऑन कर दो। तो सबसे पहले आप कमेंट करके बता दो वीडियो सही चल रही है, आवाज़ आ रही है, फिर आगे चलते हैं। जो कल हमने पढ़ा था उसकी पहले थोड़ा रिविजन करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी वो देख लेंगे, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। बस थोड़ा सा रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमने पढ़ा था कि जी वर्गीकरण संख्याओं का किस तरह से होता है, किस आधार पर होता है, वो चीज़ें हमने सीखी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आता है जी रियल और इमेजिनरी। टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। इमेजिनरी को हमने यहीं तक पढ़ा था कि क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, और रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हमने आगे पढ़ी थी। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल को फिर से टू पार्ट्स में, टर्मिनेटिंग, दशमलव को हमने फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। आवृत्ति संख्याएं और अनावृत्ति संख्याएं। गुड आफ्टरनून कनिका, नीलेश, संजय, भूपेंद्र। क्लास प्ले नहीं हो रही, दोबारा से ट्राई कर लो बच्चे। कमेंट करके जिनकी प्ले हो रही है वो बता दो, भी दोबारा से ट्राई कर लेंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि इनमें से कौन से रैशनल होंगे, कौन से इरेशनल होंगे। तो हमें पता चला था कि इंटीजर, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये क्या होते हैं, ये सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्या, बाकी जो बच गई वो अपरिमेय संख्याएं, यानी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। हमने देखा था कि जी पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 पाई का एडजेक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्स वैल्यू होती है। तो 22/7 जो है वो आपके रेशनल नंबर है, वो परिमेय संख्या है। ठीक है, ओके, चलो। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इंटीजर को हमने डिवाइड किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर हमें पता है कि हमने टू पार्ट्स में रियल नंबर को डिवाइड किया, डेसिमल और इंटीजर में। तो इंटीजर कौन से होंगे, जो हमारे पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं। डेसिमल वाली तो हमने अलग निकाल ली, बच्चे बिल्कुल डिटेल से चलेगा रवि राव, बिल्कुल डिटेल से। इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, ये आगे चीज़ों को समझने के लिए। जब फैक्टर्स चैप्टर स्टार्ट होगा ना आपका, और जब मैं उसमें बताऊँगा कि हम उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि कितना डिटेल में होने वाला है सारी चीज़ें। एग्ज़ाम चाहे आपका कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उससे कि आपको HSSC देना है, आपको SSC देना है, आपको NTPC देना है। इस बैच का जो लक्ष्य है वो ये है कि आप अगर यहाँ से मैथ पढ़ के जाते हो तो एग्ज़ाम आपका चाहे कोई भी हो, आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हार्ड क्वेश्चन आते हैं कोई ना बच्चे, जब क्वेश्चन लगाएंगे बच्चे तब देखना कि उससे भी हार्ड आते हैं क्या। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक जो जो क्वेश्चन बनते हैं सारे लगाएंगे। ओके, थैंक्स भाई, चलो।
इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया था पहले नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में, फिर हमने डिवाइड किया था पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हमने इनको कहा था कि जी जो नॉन नेगेटिव है यानी जीरो वन टू अप टू इनफाइनाइट, ये क्या होंगे, ये आपके वॉल नंबर होंगे, ये पूर्ण संख्याएं होंगी। और यहां पर जो हमने पॉजिटिव नंबर्स लिखे थे वन टू थ्री फोर, क्योंकि जीरो को हमने यहाँ पर अलग लिखा है ना, जीरो को हम ना पॉजिटिव में गिनते हैं ना नेगेटिव में गिनते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना लिखा है कि नेगेटिव और नॉन नेगेटिव, तो जीरो नॉन नेगेटिव तो होगा लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जी वो पॉजिटिव है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर पॉजिटिव हमारा एक दो तीन चार ये इन्फिनिटी तक है, ये होता है आपका नेचुरल नंबर। बच्चे हिंदी में कल भी कमेंट आया था एक बच्चे का कि जी हिंदी में बताओ, हिंदी में जो भी यहाँ इंग्लिश में वर्ड लिख रहा हूँ उसकी हिंदी अब भी बोल रहा हूँ, कल मैं इसके साथ में लिख भी रहा था, तो बायलैंग्वल चल रहा है, बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएँ कौन सी होती हैं, जो भी पॉजिटिव है, और फिर उसके बाद में हमने डिवाइड किया था इवन और ऑड में, सम और विषम संख्याओं में। सम संख्याएं कौन सी होती है, जो दो से भाग होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती है, जो दो से भाग नहीं होती है, ठीक है। चलो इससे आगे हमने नेचुरल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, प्राइम और कंपोजिट में, अभाज्य और भाज्य संख्याओं में, ठीक है। प्राइम और कंपोजिट, तो प्राइम के बारे में हम पढ़ चुके थे, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब जो हमें पढ़ना है, पहले हमें क्या पढ़ना है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, भाज्य संख्याओं से कैसे आपसे कैसे क्लियर अप कर पाओगे इन भाज्य संख्याओं को, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, वो चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यहाँ तक कल की क्लास जिन बच्चों ने देखी है उनको पहले कमेंट करके ये बता दो कि ये चीज़ें समझ में आ गई थी या कोई भी डाउट है, तो वो आप कमेंट करो, पहले उसको क्लियर करेंगे फिर आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई थी कल की क्लास में, अगर किसी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्लास है, पहली क्लास थी और सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है, तब जा कर के आगे चीज़ों को समझ पाओगे। स्टार्ट करने को तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे कि नंबर सिस्टम सभी स्टार्ट करते हैं, अभी हर टीचर कहाँ से स्टार्ट करेगा, फैक्टर्स से स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तब तो हम जान पाएंगे ना। आगे अगर आपसे कह दिया जाए कि जी वॉल नंबर आपको पता ही ना होता क्या है, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पता ही ना हो क्या होता, ठीक है। सौम्या ओके बच्चे, चलो आगे चलते हैं, फिर इतना समझ में आ गया तो मुझे सिर्फ आप ये चीज़ें समझा देना कि जी अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे रखा है और एक्स इज इक्वल टू रूट 16, वैल्यू क्या होगी इस केस में, एक्स की वैल्यू क्या आएगी। चलो करो जल्दी से कमेंट, इस केस में आपकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद में हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू आप पुट करो तो वो आपको वही नंबर दे रहा है, 4 4। संजय, मनीषा, चोपड़ा, बहुत बढ़िया बच्चे, प्लस माइनस 4 ये होगा सही आंसर। कैसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे रखा है, यहाँ पर आप x की वैल्यू 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, x की वैल्यू माइनस 4 रखोगे, इसका स्क्वायर भी करोगे, ये भी 16 होता है, तो वैल्यू दोनों हुई ना प्लस माइनस 4। निलेश बहुत बढ़िया बच्चे, अपूर्वा बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वैल्यू क्या हुई, दोनों हुई।
हमेशा याद रखना बच्चे, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू रूट 16, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका कमेंट करो आप। यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर -4 तो नहीं रख सकते ना, यहाँ पर आप क्या कहोगे, यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। तो एक ही वैल्यू होगी यहाँ पर, वो क्या होगी, 4, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो वैल्यू क्या होगी, +-4, ठीक है। इस केस में क्या होगी, +-4 होगी, +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, तो तीन चीज़ें और हमें समझनी है। नॉट डिफाइंड क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, और जीरो कब आता है। x अपॉन 0 अगर आपको निकालना है तो आप क्या कहोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर x बराबर नहीं है किसके, 0 के, बताओगे। दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है, 0 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 0 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर भी x नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। और 0 अपॉन 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। चलो करो कमेंट, फिर आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, और वहां पर उसके बाद में हम परफेक्ट नंबर की बात करेंगे, उसके बाद में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। निलेश, बहुत बढ़िया बच्चे, ये क्या होगा, ये होगा आपका इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा, इनफाइनाइट के। यहाँ पर आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x को 0 आपको नहीं लेना है। तो आप क्या कहोगे, किसी x 0 नहीं है तो x कोई भी नंबर होगा, और 0 को तो कितनी भी बड़ी संख्या से आप मल्टीप्लाई करो, ये क्या देगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, तो वही का वही नंबर रह जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम कहेंगे इनफाइनाइट होगी। ये कुछ भी हम लिखते चले यहाँ पर, इसका ये एक्स कभी भी नहीं बन सकता, और या फिर ये इतनी बड़ी संख्या होगी कि वो 0 से भी गुना हो करके एक्स बन जाए, तो जा करके ये यहाँ पर पूरा पूरा भाग हो पाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम 0 या इनफाइनाइट, 0 अपॉन एक्स 0, ठीक है। देखते हैं, ये आपको पता ही है, 0 अपॉन एक्स, कोई भी नंबर है एक्स, और उस 0 को एक्स से भाग देना है, तो आप यहां पर भागफल क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, 0 आ जाएगा, हो गया। तो ये तो 0 होगा, ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको बताओ आप, इसका आंसर क्या आएगा। निलेश, बहुत बढ़िया, जब आप 0 अपॉन 0 लिखते हो, हमने मान लिया ये x के इक्वल है, जैसे आप कहते हो a अपॉन b इज इक्वल टू c, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपको अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c है, तो a इज इक्वल टू c इंटू b होना चाहिए, ये होगा। अगर ये होगा तो यहाँ भी ये होना चाहिए कि 0 इज इक्वल टू x इंटू में 0, ठीक है। अगर x इंटू में 0 है, तो आप कहोगे कि जी x की वैल्यू अगर 1 रख रहा हूँ तो भी 0 आ रहा है, x की वैल्यू 2 रखूँगा तो भी 0 आएगा, x की वैल्यू अगर 3 रख देते हैं तो भी 0 आएगा, x की वैल्यू 4 रखोगे तो भी 0 आएगा, यानी x की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, आंसर तो वही दे रहा है। अगर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, तो x क्या है, इसके इक्वल में आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब क्या है, किसी अनडिफाइंड, क्या है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित है। तो आप कहोगे ये क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, चलो ये होगा अनडिफाइंड, 0 अपॉन एक्स होगा 0, एक्स अपॉन 0 होगा इनफाइनाइट, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं कंपोजिट नंबर।
देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। चीजें समझ में तो आ रही है ना भाई? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने यहाँ पर पैसे दे करके पैसे बर्बाद किए हैं, ऐसा नहीं लगेगा आपको, ना ही आपको लगना चाहिए। किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ी थी कि जी एडजेक्ट टू फैक्टर्स होने चाहिए, एक जिसमें था यूनिवर्सल फैक्टर वन और एक वो नंबर इटसेल्फ होना चाहिए, और उसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है। क्रमागत तीन अगर आपको चाहिए, प्राइम नंबर तो वो 357 होता है, वो चीज़ें भी हम पढ़ चुके थे। आपको आज पीडीएफ इसकी अपलोड हो जाएगी बच्चे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी, और अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आपको यहाँ पर धुरीना पर भी उसकी पीडीएफ मिलेगी, वो क्वेश्चन भी कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर और ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप सर्च करना, वहाँ पर भी आपको बहुत सी पीडीएफ, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रुप का नाम है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर जो भी आपकी अपडेट आती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आती है, वो भी आपको मिलती रहेंगी, पीडीएफ भी मिलेगी। यहाँ पर धुरीना पर आपको टेस्ट भी मिलेगा, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, और जो आप क्वेश्चन करोगे, जो आपको पीडीएफ क्वेश्चन की मिलेगी, उनके आंसर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से भी पढ़ सकते हो। कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्याएं, तो विच हैव एट लीस्ट थ्री फैक्टर्स, ये भी किसका पार्ट है? कंपोजिट और प्राइम नंबर किसका पार्ट है? नेचुरल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? एक से शुरू होते हैं, एक से इनफाइनाइट तक, तो उसी में से हम कंपोजिट नंबर निकालेंगे विच हैव एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स, जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए, वो क्या होगी आपका? कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो हम शुरुआत करते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? तो एक कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा बताओ भाई, एक कंपोजिट नंबर होगा कि नहीं होगा? दो आपको पता है प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, तो कंपोजिट तो नहीं होगी, क्योंकि उसके सिर्फ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक टू। थ्री तो थ्री का भी नहीं होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। फोर, फोर के वन टू और फोर, तीन फैक्टर है ना, तो एट लीस्ट यानी कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए, तो चार होगा। पाँच, तो पाँच तो प्राइम नंबर होता है, उसके तो दो ही फैक्टर होते हैं। छः, छः के फैक्टर होते हैं वन टू थ्री सिक्स, चार फैक्टर होते हैं, तो एटलीस्ट थ्री तो हो गए ना, कम से कम तीन तो हो गए, तो छः होगा। छः के बाद में आठ होगा, आठ के बाद में नौ होगा। अब एक के बारे में आपसे पूछा था कि जी एक होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे कि जी एक का तो फैक्टर ही एक ही होता है, वो खुद ही, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या होती है, ठीक है। एक ना तो अभाज्य संख्या होती है ना भाज्य संख्या होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, तो अब आपको पता चल गया कि जी सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार होगी, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य, विषम भाज्य संख्या क्या होगी? नौ होगी, ठीक है। तो पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी आ रही है? नौ आ रही है ना, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी? वो आपकी नौ होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ से शुरू होती है भाज्य संख्याएं? चार से शुरू होती है। और विषम भाज्य संख्या पहली कौन सी होगी? तो वो नौ होगी। क्यों? क्योंकि नौ का फैक्टर एक, तीन और नौ, तीन फैक्टर हैं, तो वो क्या होगी?
वो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको डेफिनेशन पता चल गई कि आप क्या कहोगे, कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, तीन गुणनखंड होने चाहिए। गुणनखंड का मतलब है बच्चे कि जिससे वो संख्याएं पूरा पूरा भाग होती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चार छः आठ दस, मनीषा इसमें नाइन भी आएगा बीच में, ठीक है, इसमें नाइन भी आएगा बीच में, वो आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक आपका ना तो कंपोजिट है, ना प्राइम है, ना भाज्य है, ना अभाज्य। अब चलते हैं परफेक्ट नंबर पे। और अब इसकी हिंदी मत पूछने लग जाना भाई, परफेक्ट तो सही होता है अपने आप में सही, ठीक है, ओके। परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर कौन से होंगे, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन की मैं बात करता हूं। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, हिंदी में इसकी बता दूंगा, इज इक्वल टू द नंबर, उसको कहेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी सभी जो गुणनखंड होंगे उसके, उस नंबर को छोड़कर, किसी भी नंबर के सभी गुणनखंड उस नंबर को छोड़कर अगर उनका सम उस नंबर के बराबर आ रहा है तो वो होगा आपका परफेक्ट नंबर। एग्जांपल के लिए अगर आप कहते हो कि जी सिक्स, तो सिक्स के फैक्टर्स क्या होंगे, तो सिक्स के फैक्टर्स होंगे वन टू थ्री और सिक्स। अब उस नंबर को तो छोड़ देना है, उस नंबर को छोड़ दिया, ठीक है, तो इनका अगर सम करें तो ये क्या हो जाएगा, एक दो तीन और तीन छः, तो इनका टोटल कितना हो रहा है, छः हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। और बहुत ज़्यादा नहीं है, एक अंक की कोई संख्या है वो परफेक्ट नंबर है, वो कौन सी है, वो सिक्स है। दो अंकों की संख्या जो परफेक्ट नंबर है वो कितनी है, वो अट्ठाईस है, ठीक है। अट्ठाईस के फैक्टर आप देखोगे वन टू, तीन से नहीं होता, चार छः नहीं होता, सात से होगा, नौ से नहीं होता, दस से नहीं होता, चौदह से होगा और अट्ठाईस से होगा, ठीक है। तो उस नंबर को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ोगे तो ये दो और एक तीन और चार सात, सात चौदह और चौदह अट्ठाईस, तो टोटल सम कितना आ रहा है इसका, अट्ठाईस आ रहा है। और अट्ठाईस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो नंबर सेम आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। मनीषा किसके टाइप कराने रह गए बच्चे, कमेंट करके बताओ किस चीज़ के टाइप रह गए। चलो 28 क्या होगा, दो अंकों की संख्या है जो परफेक्ट नंबर है। और एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जी तीन अंकों की संख्या जो परफेक्ट नंबर है वो बताइए, तो आपको कहना है कि जी वो 496 होगी, ठीक है, ये याद रखना है। इसका अगर आप फैक्टर बना करके जोड़ोगे तो वही आपको प्रॉब्लम आएगी उसमें, ठीक है। फैक्टर्स में हम पढ़ लेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ने के बाद में अगर हम उसको सम ऑफ फैक्टर्स निकाल करके इसको घटाते हैं तो आपको, आप उसको डिफाइन करके देख सकते हैं। हाँ जी, छः सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है। चलो बहुत बढ़िया बच्चे, आगे चलते हैं। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ऑफ ए नंबर, जातीय मान और स्थानीय मान,
किसी भी नंबर का आपको जातीय मान और स्थानीय मान पूछा जाए कैसे बताओगे? ओके बच्चे, मैंने सोचा आप उसमें नेचुरल नंबर में पूछ रहे हो, कोई टाइप कराना रहेगा, चलो कोई ना रहेगा टाइप करना तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होगा? जातीय मान आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे, फेस वैल्यू यानी जैसा वो दिख रहा है आपको वैसे का वैसा लिख देना है। अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है जैसे 7, 8, 6, 2, 5, आपसे ये पूछा जाए कि जी 6 का आपको बताना है फेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू बतानी है यानी फेस वैल्यू ऑफ 6, 6 का जातीय मान आपको बताना है, तो आप का क्या कहोगे कि जी 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा। अब स्थानीय मान की बात करते हैं तो ये कौन से स्थान पर है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछे कि जी प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो आप प्लेस का भी तो ध्यान रखोगे ना कि कौन से स्थान पर है वो 6, तो आपने लिख दिया ठीक है। स्थान कौन सा है तो इकाई ढाई सैकड़ा यानी जो जिस स्थान पे है उससे गुना कर दोगे ठीक है, यानी इससे आगे जितने नंबर है उतनी जीरो लगा करके उससे गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ठीक है। अब आपको बताना है 8 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बताना है आपको। हाँ जी बच्चे, कमेंट ऊपर करना सर, तो ऊपर वाला कमेंट देखना लकी। हाँ बच्चे, फिफ्थ क्लास में आता है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, सिक्स्थ क्लास में भी आता है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना थोड़ी देर पहले कि जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और एक्स इज इक्वल टू रूट 16, डिफरेंस क्या होगा, छठी क्लास की बुक में आपको पहले पेज पर भी मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम पढ़ते नहीं हैं। आप अगर किसी ने मैथ में एमएससी भी कर रखी होगी उससे भी जा करके पूछोगे ना ये चीज़ें, तो वो भी कहेगा यार ये तो मैंने पढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सिक्स क्लास में आती है ना, और सिक्स क्लास हमने पढ़ते ही सारी चीपी फॉर्मेट मार दी, हमारी आदत है, पेपर हो गए घोड़े बेच के सो गए हम। प्लेस वैल्यू 8000, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो, चीजें आप समझ गए होंगे कि जी आपको प्लेस वैल्यू के लिए जोन से स्थान पर है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फेस वैल्यू के लिए आपको सीधा लिख देना है ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको जातीय मान, 6 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर कितना होगा वो बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं ठीक है। बताओ भाई। हाँ जी, बेसिक भूल जाते हैं लेकिन अब हमें भूलना नहीं है, किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारेंगे बच्चे। चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा, आपको अगर फॉर्मूला चाहिए तो मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, आपको अगर उसके अंदर लॉजिक चाहिए कि किस लॉजिक से ये आया है तो वो चीज़ें भी हम करेंगे बिल्कुल डिटेल से। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स में हमें क्या पढ़ना है और क्या हम पढ़ेंगे वो मैं आज बताऊंगा, और फैक्टर्स के क्वेश्चन हम कल करेंगे ठीक है। कल लिख करके इसमें रख दो, कल भी काम आएगा नीचे वाले में। ओके, आप कहोगे कि जी 6 का बच्चे 6 का पूछा था, 6 का अगर स्थानीय मान आपको चाहिए तो आप क्या कहोगे 6 गुना में 100 होगा, 600 हो जाएगा ठीक है। छोटी छोटी जो गलतियां कर रहे हो ना ये नहीं करनी है,
ठीक है। और 6 का आपको स्थानीय मान आपने निकाल लिया, फेस वैल्यू आपको चाहिए, जातीय मान चाहिए, तो वो तो 6 ही होती है, तो डिफरेंस निकालना था। तो 600 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 594 आएगा। बहुत बढ़िया नीलेश, चलो अब चलते हैं हम फैक्टर्स क्या होते हैं। भाई ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई कमेंट करके बता दो, किसी को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो वो पूछो, और कोई भी चीज़ रह गई है तो वो पूछो आप, ठीक है। पंकज यादव गुड नून भाई, चलो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। आपके पास 2 मिनट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो इस चैप्टर से कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। वैसे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, डाउट भेज सकते हो बाद में भी, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इस चैप्टर से, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। फैक्टर्स से आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके, गुणनखंड, ओके बच्चे समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। इसमें सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ और यही बताऊँगा आज की क्लास में कि हम क्या पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था ना कि सबसे पहले अगर हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है तो उसमें हम ये बात करेंगे कि उस नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, और कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो कि हमें क्या आता है और क्या हमें पढ़ना है। बच्चे जो भी आपका लेवल है वो आपको देखना है कि हमें किस लेवल का एग्ज़ाम देना है। हम यहाँ पर बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक करवा रहे हैं। अगर आपको लास्ट में जाकर के चीज़ें नहीं भी समझ में आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं बच्चे, एक तो होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल, यानी गुणनखंड और गुणांश। फर्क क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। फैक्टर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी दिए हुए नंबर को पूरा पूरा भाग कर दें, ठीक है। और गुणज वो होते हैं जो दिए हुए नंबर से पूरा पूरा भाग हो जाए, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा एलसीएम और एचसीएफ। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा गुणज, वो बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है, ठीक है। और आप पढ़ते हो LCM तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटे से छोटा गुणज जो दी हुई संख्याओं को संख्याओं से पूरा पूरा भाग होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, चैट रिफ्रेश करके क्या करना है बच्चे, आपको कमेंट करना है वो कर दो, उसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। रिफ्रेश करके उसको क्या करना, गुणनखंड और गुणज की बात करें, अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे आपने नंबर लिया 12, ठीक है, 12 आपने नंबर ले लिया, अगर इसके फैक्टर्स की बात करूं और इसके मल्टीपल की बात करूं, गुणज की बात करूं, तो आप कहोगे कि जी 12 के गुणज 12 होगा, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा, और ये आगे चलता जाएगा। तो ये तो क्या होते हैं, ये तो इनफाइनाइट होते हैं, और जो चीज़ें इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट तक तो कोई नहीं पहुंचा, और इनफाइनाइट हमारे सिलेबस में ही नहीं है, यानी गुणज तो हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जी फैक्टर्स, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे जिससे ये नंबर पूरा पूरा भाग होता हो, वो कौन से नंबर होंगे, 1 से भाग होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, इनसे भाग होगा, ठीक है। सौम्या थैंक यू भाई, 1 2 3 4 6 12, इनसे भाग होगा। और अगर इनसे भाग होगा तो आपसे इस चैप्टर में क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप यहां से गिन करके बता सकते हो 2 4 6, तो कितने होंगे, 6 होंगे।
आपसे पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन की बात कर रहा है तो ओड तो छोड़ने पड़ेंगे, ये ओड है, ये ओड है। इवन कितने हैं? एक दो तीन चार। सम गुणनखंडों की संख्या, ये क्या पूछा था आपसे कि सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी थी? छह थी। अब आपसे पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो एक दो तीन चार। सम गुणनखंड कितने हैं? चार है। आपसे ये पूछेगा कि जी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंड कितने हैं? एक दो। तो कितने हो जाएंगे? दो। तो ये चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि इनको गिन करके बताना पड़े। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी क्लास के साथ और बहुत अच्छे बच्चों के साथ, ठीक है, आपके साथ पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? इसके अलावा हमें पढ़ना है बच्चे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम आपसे पूछा जाए 12, 6, 18, 4, 22, 22 और 5, 27 और 1, 28। तो टोटल कितना हो जाएगा? 28। तो आप कहोगे कि जी सम यहाँ पर 28 है। अब आपसे ये भी पूछेगा कि जी सम ऑफ इवन फैक्टर्स, तो वो 24 हो जाएगा। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 4। 4 के गुणज, उन फैक्टर, उन गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 4 के गुणज हैं। तो 4 के गुणज कौन से हैं? एक तो ये 4 है और एक 12 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 फैक्टर ऐसे हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो आपको ये बताना है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसमें से, टोटल में से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इन दोनों में फर्क है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बच्चे? 2 हैं, एक तो 2 और एक 3। ये क्या है? ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, थैंक्स रविंदर, आपका प्यार है भाई, और ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बनाए रखना भाई। और अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आपके मित्र बंधुओं के साथ आप ज़रूर शेयर करें इन चीज़ों को, ताकि वो भी घर पे बैठ के पढ़ पाएँ और सुरक्षित रहें। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है भाई, महामारी है, संकट है सभी के लिए। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। अब मल्टीपल की बात आ गई, अब आपको ये बताना है कि जी नंबर ऑफ फैक्टर विच आर एडजेक्ट क्या है? स्केयर है। तो स्केयर वाले कौन से हैं? तो ये एक, तो ये एक हो गया, एक 4 हो गया, 2 ही है ना। तो परफेक्ट स्केयर कितने हैं? वो गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी परफेक्ट स्केयर कितने हैं, तो वो कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, और ये पूछे कि जी नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब यानी पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है? तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या, तो और तो कोई घन में पूर्ण है ही नहीं, यहाँ से क्या आएगा? एक ही आएगा और वही होगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चे। देखो, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो दूसरी या तीसरी क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। और कल हम एक ही एग्जाम्पल उठाएंगे और उसी एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें मैं डिफाइन कर दूंगा, वो भी बिल्कुल बेसिक लॉजिक के साथ। और उसके बाद में हम बात करेंगे फॉर्मूले की। ठीक है, पहले हमें लॉजिक समझना है। और जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्केयर, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, और नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 16, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक ही एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको लगवाऊँगा और उन्हीं के साथ हम फिर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी कि कितनी अच्छे से आपका सिलेबस होने वाला है और कितने अच्छे तरीके से हम इसको आगे लेकर के जाने वाले हैं। अगर अच्छा लगता है
तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और कनेक्ट रहेंगे। जो भी आपके डाउट आएंगे वहाँ पर उनकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सिलेबस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो वो आपके ज़रूर काम आएगा। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, कल मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।